नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का। मित्रों, जीवन में हमेशा हमारी अनुकूल परिस्थितियां हों, अनुकूल लोग ही हमसे सारे दिन में मिलें, हमारे जीवन में हों, ऐसा नहीं होता। एक आधा तो ऐसा होता ही है जो हमारी परीक्षा लेता रहता है या फिर हमारे लिए प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित करता रहता है एक परीक्षक के तौर पर। अच्छे लोगों के साथ तो रहना सहज है और कामना भी हमारी यही होती है, लेकिन जो डिफ़िकल्ट लोग हैं, जिनका स्वभाव संस्कार हमसे नहीं मिलता और रहना भी हमें उनके साथ होता है, ऐसी स्थिति में हम कैसे सिचुएशन के साथ डील करें, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो ये सीख जाता है वो जीवन का आनंद लेता है, और यही है आज का सुंदर सुवाक्य। मुश्किल लोगों के साथ जीवन के अंदर संतुलन बनाए रखना भी अपने आप में एक जीवन की बहुत बड़ी कला है। अगर हम गुलाब के फूल की तरह खिले रहना चाहते हैं तो कांटों के साथ तालमेल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन जो है वो परमात्मा की दी हुई बहुत बड़ी उपहार के रूप में हमें मिली है। इट इज़ इनवैल्यूएबल गिफ्ट। और इस जीवन के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे सामने कई बार डिफ़िकल्ट लोग, जिसे कहें मुश्किल लोग, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं और हमें लगता है कि कैसे हम उनके साथ तालमेल बनाएं और उनके साथ समझौता करके चले, कभी कभी बहुत मुश्किल भी लगता है। लेकिन अगर हम सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम यानी स्वमान, जो कि आत्मा का बहुत बड़ा गुण है, कि हमारे भीतर एक बहुत बड़ी विशेष शक्ति है कि जैसे ही हम अपने स्वमान में टिकते हैं तो हम दूसरे लोगों को, चाहे वो कितने भी मुश्किल हैं, उनको हम बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं। और हमें ये भी एहसास होने लगता है कि हो सकता है उन लोगों के जीवन में या इस समय वो एक कठिनाई के दौर से गुजर रहे हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे उनके जीवन में किसी भी परिवार की या किसी की भी परेशानी हो, इसी वजह से वो हमारे सामने मुश्किल बनकर आ गए हैं। लेकिन अगर हम अपने स्वमान में रहें कि हमारे भीतर वो शक्तियाँ और गुण हैं जिनसे कि हम समझौता कर सकते हैं, उनके साथ तालमेल रख सकते हैं और उसी प्रकार से मुस्कुरा कर गुलाब के फूल की तरह खिले रह सकते हैं और कांटों के साथ भी तालमेल रखने की बहुत सुंदर कला भी हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। हमारी मंगल कामना की अनुकूल लोग और अच्छे लोग ही आपको जीवन में प्राप्त हों, लेकिन यदि ऐसे लोग भी मिल जाएं तो उसे भी एक अच्छे नज़रिए के साथ हम स्वीकार करें कि ये हमारी आंतरिक शक्तियों को, हमारी ताकत को बढ़ाने वाले हैं, हमारी विशेषताओं को विकसित करने वाले हैं। क्योंकि टफ सिचुएशंस में मित्रों हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण नज़रिया हमें अपने जीवन के लिए रखना है। लेकिन कई बार जब हम इस सिचुएशन के साथ डील नहीं कर पाते तो सांसें फूलने लगते हैं, हमें लगता है कि कब इस परिस्थिति से छुटकारा मिलेगा। लेकिन यदि सब कुछ पॉजिटिव रहकर करते हैं तो सचमुच हमारी ब्रीदिंग भी, हमारा जीवन भी बहुत सहज हो जाता है। आज आपकी सेहत आपके हाथ में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सी बात डॉक्टर साहब आपको सुना रहे हैं, राइट ब्रीदिंग टेक्निक। सांस तो हम प्रतिदिन लेते हैं, निरंतर लेते हैं, लेकिन उसका सही तरीका क्या है, आइए जानते हैं। ओम शांति, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, सही सांस लेने की विधि, हम सभी सांस लेते हैं तो जिंदा हैं, और सही ढंग से अगर हम सांस लेते तो लंबा समय जिंदा रहेंगे। क्योंकि देखने में आता है कि जब हम सांस लेते हैं तो सारी बॉडी में हमारे लंग्स अगर फुल ऑक्सीजन जाती है तो हमारे पूरे बॉडी में, क्योंकि एक बार जब आप सांस लेते हैं तो 14 बार सांस लेते हैं एक मिनट में,
70 बार हार्ट खून पंप करता है, 70 बार हार्ट धड़कता है, तो आपका एक सांस 5 बार खून सप्लाई करता है। अगर आप एक सांस गलत लेते हैं, आप देखिए जब जल्दी चिंता गुस्से में सांस लेते हैं तो क्या होता है, आपकी छाती बाहर आती है और पेट अंदर जाता है, अपोजिट सांस, इससे थोरेसिक ब्रीदिंग कहते हैं, क्योंकि आधे फेफड़े में सांस जा रहा है, नीचे वाला ऐसा 2/3 जो ब्लड जा रहा है, 2/3 ब्लड नीचे वाले फेफड़े में जाता है और वो ब्लड बिना साफ हुए, बिना ऑक्सीजन से भरे वापस हार्ट में सप्लाई हो जाता है और फिर 5 बार वो खून हार्ट गंदा खून मतलब कम ऑक्सीजन वाला खून पंप कर देता है, जिससे आपका सारा शरीर थका थका रहता है। इसकी बजाय अगर आप शांति का सांस लें, अगर आप शांति प्यार खुशी के हमेशा महसूस उस करते हुए अंदर से वो सांस लेते हैं तो आपका पेट बाहर आएगा और पूरे ऑक्सीजन फेफड़े में ऑक्सीजन जाती है और फिर हर बार जब भी हार्ट धड़कता है तो 14 बार सांस लिया तो 5 बार 70 बार माना आपका फुल ऑक्सीजन सारी बॉडी में फुल ऑक्सीजन वाला ब्लड सप्लाई होता है दोस्तों। तो याद रखो हमें हर सांस में शांति प्यार खुशी की अनुभूति, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अगर हम देखने में आया है कि राजयोग का मेडिटेशन अगर आप करते हैं, राजयोग का मेडिटेशन से आपके आपके जीवन में शांति आती, शांति माना वर्तमान में रहना, आप बीइंग इन द प्रेजेंट, आप वर्तमान पास्ट के विचार चलने बंद, भविष्य की चिंता खत्म और आप वर्तमान में टिक जाते हैं। आत्मा शांति से लंग्स को नरिश करती है, जितना अधिक आप शांति प्यार माना एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर एंड हैप्पीनेस मीन्स कंटेंटमेंट हैविंग लेस नंबर ऑफ डिजायर्स, तो जितना अधिक आप शांति प्यार खुशी में रहेंगे उतना अधिक आपका सांस गहरा आएगा और आपके शरीर आपके एक एक सेल बॉडी की ऑक्सीजन से भरपूर रहेगी अर्थात एनर्जी से भरपूर रहेगी। तो दोस्तों याद रखें आपको एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है, बेली ब्रीदिंग करनी है, जब बच्चा सो रहा होता है बड़ा आदमी भी सो रहा होता है पेट अंदर बाहर होता है छाती अंदर बाहर नहीं होती है। तो दोस्तों ऐसे जैसे नींद में हम शांत होते हैं इसी तरह से हमको हर कर्म करते शांत रहना है और हमारा 24 घंटे प्राणायाम हो रहा है और हम लंबा समय जिएंगे, हमारी आयु भी बढ़ जाएगी और हम सदा स्वस्थ रहेंगे खुशी रहेंगे। ओम शांति। तो मित्रों हमने जाना कि सही सही तरीके से हम कैसे ब्रीदिंग करें, तो बहुत गहराई से बिल्कुल नाभि के पास से अब ब्रीथ करना शुरू कीजिएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ मुझे लगता है कि बहुत आसान हो जाएगा, सहज हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण सेगमेंट की ओर जिसमें हम विशिष्ट जनों से मिलते हैं। मित्रों आज हमारे साथ हैं महामंडलेश्वर श्री 108 श्री मार्तंड पुरी जी जो कि नई दिल्ली से हमारे बीच पधारे हुए हैं। आप जानते हैं कि ब्रह्म कुमारीज एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है जहां सभी आकर के बहुत सुंदर आध्यात्मिक बातों को सुनते भी हैं, अनुभव भी करते हैं और उसी का अनुभव सबके साथ साझा करते हैं। तो आइए देखते हैं महामंडलेश्वर जी अपना क्या अनुभव हम सबके सम्मुख रख रहे हैं। जितनी बड़ी संख्या में देखिए पूरे विश्व में जो आपकी चेतना है, जिस चेतना का प्रसार है और जिस प्रकार से लोग निष्ठा से जुड़े हुए हैं और जिस प्रकार से विस्तार हो रहा है, ठीक है मेरे जैसे लोग उस रूप में नहीं शामिल होते लेकिन हम इस वेश में भी आपके साथ हैं और मन से आपके साथ हैं। तो मैं तो इसे विश्व का एक आध्यात्मिक केंद्र मानकर चलता हूं। और देखिए महाभारत की एक छोटी सी कथा है, समय नहीं आपको बताने का जी। भगवान कृष्ण ने एक बात कही थी कि कलयुग में कुछ ना कुछ ऐसा शेष रहेगा जहां मूल्य और आदर्श टिकेंगे और उसी के आधार पर जीवन चलेगा। तो मैं इस केंद्र को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय को उसी रूप में देखता हूं कि एक प्रकाश स्तंभ है जहां से प्रकाश जा रहा है। मैं बिना अतिशयोक्ति के भाव से नहीं कह रहा हूं, मैं महसूस करता हूं इसलिए कह रहा हूं। यहाँ की जो सारी व्यवस्था है, यहाँ का जो सारा चिंतन है, उसमें आपका राजयोग हो चाहे आपका ध्यान की प्रक्रिया हो या अभी आप संचार माध्यम में जितना कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं जी, आसान कम काम नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यह
अपने आप में केंद्र है, और मैंने सोच समझ के इसको आध्यात्मिक राजधानी कहा, विश्व का कहा, भारत का नहीं कहा, जी 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 विश्व का कहा है, और विश्व का यहाँ प्रतिलक्षित होता है। स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, कितनी सुंदर सी बात महामंडलेश्वर जी ने कही। सचमुच अध्यात्म सबको आकर्षित करता है। यदि हम धर्म की बात करते हैं, बाहरी बातें करते हैं, तो सबके अपने अपने रिचुअल्स हो सकते हैं, मान्यताएं हो सकती हैं, परंपराएं हो सकती हैं, लेकिन अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी सीधे आत्मा से, रूह से जुड़ी हुई चीज़ है। जहां हम प्रेम की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, अपनत्व की बात करते हैं, सम्मान और भाईचारे की बात करते हैं, और इसी की तो समाज को, संसार को आवश्यकता है, और यही सुंदर प्रेरणा ब्रह्मा कुमारी सब तक पहुंचा रही हैं। आइए देखते हैं पीस न्यूज हाइलाइट्स में उनके इन सुंदर सेवा कार्यों को। मुंबई के बोरीवली पूर्व में स्थित राजयोग ध्यान केंद्र ने आध्यात्मिक सेवा के अपने 18 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 1 मई को प्रभु उपवन राजयोग ध्यान केंद्र और जुड़े ब्रह्मा कुमारी केंद्रों के बीके परिवार द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। समारोह में सर्वप्रथम शिव बाबा को भोग अर्पित किया गया और केक काटा गया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया। गायक विशाल कोठारी ने सुंदर गीत प्रस्तुत किया। जो है अनकही, जो है अनसुनी, जो बात क्या है पता। ठाकुर ग्राम बी के केंद्र के छात्रों द्वारा नृत्य किया गया। वसई बी के केंद्र के छात्रों द्वारा नाटक भी प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा दत्तापाड़ा रोड और प्रभु उपवन राजयोग केंद्र को जोड़ने वाली सड़क को बीएमसी मुंबई द्वारा प्रभु उपवन मार्ग नाम दिया गया है। तो इस खास दिन पर विशिष्ट अतिथियों के साथ अनावरण समारोह भी किया गया। मित्रों, तितली जब अपने कोकून से बाहर आने के प्रयास में रहती है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन उसके सामने होता है, और वो लगातार प्रयास करके बाहर आती है। यदि कोई उसे देखेगा तो लगेगा, अरे इससे बाहर निकलने में मैं उसकी मदद करूं। एक बच्चे ने ऐसा ही किया, उस कोकून को तोड़ दिया, तितली थोड़ी बाहर आई लेकिन थोड़ी ही देर में मर गई। पिताजी ने सिखाया कि बेटा, ये जो संघर्ष की प्रक्रिया है, ये इसके पंखों को बहुत बलवान करती है, उसे जीवन देती है। तुमने उसके जीवन को उससे छीन लिया। सचमुच जो डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं, डिफिकल्ट लोग हैं, वो हमें और ज़्यादा सशक्त करते हैं, पावरफुल करते हैं, और हमें और ज़्यादा आगे और सफल होने में मदद करते हैं। क्यों ना एक ऐसे नज़रिए के साथ हम जीवन में आगे बढ़ें, तो सचमुच जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। तो आपका जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।